Hello students, welcome to the online classes of Kerala Public School. आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली यही आपके ही डाउट्स हैं जो प्रीवियस होमवर्क्स में आपने पूछे थे कमेंट्स करके. उनमें से एक सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था आप लोगों के द्वारा कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है. ठीक है, कई सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स रही हैं, तो चलो एक बार इसको समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स है क्या. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन का. डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हमारे पे क्या है, ए रेशनल नंबर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट बारीक कर लेता हूँ. ए रेशनल नंबर इज इन सेट टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. Got it? तो आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्चुअली यहाँ पे ये कहा गया है कि एक रेशनल नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, या हम कहेंगे कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है अगर उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है. ठीक है, और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना रहा हो. गॉट इट? जैसे कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. सबसे पहले जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, उसके बाद मैं अपने पास से कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूंगा. अब देखो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले -10/15 की. तो -10/15 में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है लेकिन जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव है. तो न्यूमरेटर के नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ चेक करना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. और इन केस जब वो पॉजिटिव नहीं होता, जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ -10/15 की, तो इसमें अगर आप सोचो कि ये +10/-15 होता, तब आप क्या करते, तब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 से. गॉट इट? क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आपने सीखा था कि हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए किस किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट अदर देन 0. गॉट इट? इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट अदर देन 0. गॉट इट? इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में चला जाता है. ठीक, और प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या थी हमारी, कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो बन जाता है. तो इस नंबर को अगर आप देखते हैं, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है +10, और ये एक -1 जो है नेगेटिव इंटीजर है. तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा -10. ठीक है, ये नेगेटिव है और ये एक, ये भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं. ठीक है, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इनका मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +15. तो अब आप कह सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया हमारा, पॉजिटिव बन गया. लेकिन -10/15 जो है वो अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. गॉट इट? तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा, देखो अगर आप समझ सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 10 और 15 के बीच कौन सा कॉमन फैक्टर है, 5. जनरली हम ऐसे भी सीख लेते हैं कि 10 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, वो 5 की टेबल में आते हैं. गॉट इट? तो आप जैसे ही आपको पता चलेगा कि 5 इनके बीच एक कॉमन फैक्टर है, आप 5 से डिवाइड करेंगे किस किस को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो जब आप 10 को डिवाइड करते हो 5 से, आपको मिलता है 2. जब आप 15 को डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 3. दैट मीन्स डिवाइड करने के बाद जो आपका नंबर बना है वो कितना बना है, वो है 2/3. ये 2/5 लिखा गया है, सॉरी ये 2/3 है. गॉट इट? सो आप कहेंगे कि -10/15 इक्विवेलेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि -2/3 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, -10/15 का. आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो. क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 2 और 3 के बीच अब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है. गॉट इट?
अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं डिस्प्ले पे, अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इसको मैंने लिखा है 16 और यहाँ से मैंने लिखा है इसमें 60। तो अभी मुझे पता ही नहीं है कि इनके बीच क्या कॉमन फैक्टर है। मैं आपके नज़रिए से सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कि जैसे हमें शुरुआत में नहीं पता होता कि हम एक्चुअली इनके बीच एक कॉमन फैक्टर क्या रहा होगा, तो मुझे पता है कि दोनों ये जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, इवन नंबर्स है, तो हम इनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 60 को करेंगे 30 आ जाएगा। तो अभी आपको क्या मिला, 8/30। अब ये दोनों फिर भी इवन नंबर है, तो फिर से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15। तो आप देख सकते हो 4/15 आपको एक नंबर मिल रहा है। अब 4 और 15 दोनों 1 के अलावा इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, गॉट इट? क्योंकि 4 के फैक्टर आपके क्या होंगे, 2 × 2, और 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5। तो इनके बीच कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 4/15 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक डिनोमिनेटर आपका जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो पी और क्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आपको पता है ना रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो पी और क्यू के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, गॉट इट? आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये है +20/-45, जैसा मैंने अभी लिया था। तो इसमें आप देखो मैंने इसमें अलग अलग फैक्टर करके दिखाए हैं, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 20 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 5, 2 × 4, 4 × 5 = 20। इसी तरह से 45 को लिखा जा सकता है, 3 × 3 = 9, 9 × 5 कितना होता है, 45। तो अब देखो इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या आया, 5, तो उस 5 को हमने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ से। तो अभी क्या बचा, -2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, +4 हो जाएगा, सॉरी प्लस था ये, और ये -3 × 3 आपके पास कितना आ जाएगा, -9। इसका मतलब 4/9 जो है वो किसका, +20/45 का इक्वलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं जो क्या है, -1। सो 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे, -4 हो जाएगा, -9 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो +9 आ जाएगा। तो हाँ, अब हम कह सकते हैं कि -4/9 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, और 4 और 9 के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, गॉट इट? सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन डाउट था आपका ये था कि जो क्वेश्चन नंबर 3 आप कई सारे बच्चों ने पूछा है, उसका फर्स्ट पार्ट आपने पूछा सर कि 20/20/25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसा आपको इंस्ट्रक्टेड था कि इसका न्यूमरेटर आप 12 लेके आइए, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं। देखो सबसे पहले तो हम जो ये नंबर लेते हैं 20/25, इसका आप ना स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के लिए हम उनको क्या करेंगे, उनके कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे। तो देखो 20 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 5, आप देख सकते हो यहाँ से 25 के फैक्टर होंगे, कौन कौन से, हम प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं यहाँ पे, ओके? सो 5 × 5, आप देख सकते हो 5 कैंसिल आउट हुआ, तो कितना बचा बेटा, 4/5। अब तो आपके लिए और भी ईजी हो गया, अब हम कहेंगे 4/5 क्या है इसका, आप स्टैंडर्ड फॉर्म रहा हो, और 4/5 का अब आप इक्वलेंट रेशनल नंबर्स निकाल लीजिए जिसका डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर 12 होना चाहिए। तो सिंपली अगर आपको ये नंबर मिला हुआ है, आप देख सकते हो 4/5 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। तो देखो सिंपली आपको मिल गया एक नंबर, रेशनल नंबर 20/25 जो गिवन था, अब हमने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, 12/15। और कैसे लिखा, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है गिवन नंबर को, और फिर उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपने निकाल लिया, गॉट इट? ये तो है हमारा मेथड फर्स्ट।
गॉट इट। अब हम मेथड सेकंड की बात करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, देख लेते हैं उसको भी। तो अब हमारे पास मेथड है सेकंड, देखो क्वेश्चन वही है, 20/25 आपके पास नंबर है, और 20/25 नंबर को हमें एक ऐसे रेशनल नंबर में लिखना है जिसको डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए और वो इसका इक्वलेंट भी होना चाहिए। गॉट इट। सो कैसे लिखेंगे, देखो बेटा ये तो श्योर है कि आप इसमें किसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तभी आपको 12 बाई समथिंग, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के छोड़ दिया, तभी आपको ये नंबर मिलेगा। समझ रहे हो आप सभी? तो एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे इक्वलेंट फ्रैक्शन, इक्वलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी करते थे और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी करते थे। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमने किसी नंबर से इसको हमने समथिंग या क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया है, तो हमने किसी नंबर से 20 में मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो हमें 12 मिला होगा। तो अगर मैं उस नंबर को जानने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं x भी मानूं, तो यहाँ से देखो इस तरह से आप मैं लिख सकता हूं कि 20 में अगर मैंने किसी नंबर x से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 12 मिला है। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल जो आप पढ़ चुके हो। तो x की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 20 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। गॉट इट। और ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है और राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो गया, ये डिवाइड करेगा। तो 12/20, और 12/20 का अब आप क्या निकाल लो, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो निकालने के लिए कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, जो क्या है 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/5। गॉट इट। इसका मतलब जब हम 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 20 में 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 12 मिलने वाला है। कैसे, 5 से आप 20 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4, और 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 12। गॉट इट। तो इसी तरह से जो हमें ये रेशनल नंबर मिला है 3/5, इसका मल्टीप्लाई हम किस किस में करेंगे, इस दोनों नंबर्स में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 20 में भी हमने 3/5 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेम नंबर था। आप देखो यहाँ से इसमें भी आप देख सकते हो कि 20 में भी हमने क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमें 12 मिला, 25 में भी क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यू डिनोमिनेटर मिलेगा। तो हमने इसीलिए इस नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई किया है, 20 × 3/5 जो कितना बन जाएगा 12, और इसी तरह से 20 मैं करके दिखा देता हूँ, 25 × 3/5, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 5, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 15। तो यहाँ से देखो आपको जो नया नंबर मिला है वो कितना मिला है, ये है 3 बेटा, और ये आएगा 15। ओके, सो नया नंबर मिलेगा आपके पास 12/15। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू बच्चे।